राजधानी दिल्ली में रेप की एक और वारदात सामने आई है। शकरपुर इलाके में 22 साल की लड़की को पास ही में रह रहे युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। राजधानी फिर हुई शर्मसार, महिला सुरक्षा पर दावे फिर हुए तार तार। दिल्ली में एक और रेप की वारदात, घर में भी नहीं महफूज है लड़कियां। राजधानी दिल्ली में 22 साल की युवती से रेप की शर्मनाक वारदात सामने आई है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में घर की सीढ़ियां चढ़ रही युवती को कमरे में जबरदस्ती खींचकर हवस का शिकार बनाया गया। ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़का है अनुराग चौधरी, जो सीए का छात्र है फाइनल ईयर का, उसने जो है इस पे काफी लड़की पे काफी दूर से नजर रखे हुए था। जब वो परसों से उसे मौका मिला तो उसने उसकी व्यवस्था कमरे से कमरे ले आकर उसके साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी अनुराग सीए का छात्र है। अनुराग का शकरपुर में अपने दोस्त के घर आना जाना लगा रहता था। आरोपी वारदात के दिन भी दोस्त के घर आया हुआ था। जब लड़की पास की दुकान से सामान खरीदकर अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, तभी आरोपी उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया और रेप किया। आरोपी ने रेप का वीडियो भी बनाया और इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रेप के आरोपी अनुराग को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने उस बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया। बच्ची कंप्लेंट पर रेप का मुकदमा दर्ज करके एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह से आए दिन दिल्ली में लड़कियों से रेप की वारदात सामने आ रही है, उससे तो लगता है कि महिला सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कौन कहे महिलाओं के सम्मान की, यहाँ तो कानून का भी डर नहीं रह गया। दीपक डालमिया के साथ दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के जुड़े रहिए नंबर वन हिंदी वेबसाइट www.aajtak.in के साथ।